आजकल इन्होंने मेरे गार्डन का काट लिया है, मेरा नाम उन्होंने सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया था। आज हो रहे तो लोग पूजा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सिर्फ मिट्टी डालने का है ना। चलो अरुण मेरा भी लिया था। नहीं मैं एक बार बाहर आके यहाँ से पीजिए, यहाँ से पीजिए। हाँ पानी वाला तो क्या ऐसा खास चीज? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। हु केम टू यू फर्स्ट फॉर दिस इनिशिएटिव? कैन आई जस्ट रिमूव दिस बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू टॉक। द थिंग इज हमारे विश्वास मोती जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वेल विशर हैं, और इनके साथ हमने कई मुद्दों के ऊपर हमेशा से बात करी है। मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है स्पेयर अ मोमेंट, जिसके अंदर हम एनिमल्स के लिए काम करते हैं। अनुषा भी मेरे साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड रही हैं। तो और हम मेरी फाउंडेशन के अंडर भी हमारे पास एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स को लेके दोनों कॉजेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लोनावला सेंट्रिक है, ज़्यादा उधर काम करते हैं। लेकिन हमेशा मुझे याद है कि विश्वास ने मुझे आई थिंक एक महीना पहले कहा था कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव करना है, और इन्होंने कुछ क्लिप्स भी भेजे थे मुझे कि ये थॉट है
और मैंने इमीडिएटली इनको कहा कि ये बहुत ही प्यारा थॉट है। और फिर ये साइक्लोन की वजह से कई सारे पेड़ उखड़ गए, बहुत तकलीफ़ हुई देखकर। मेरे ख्याल से यही सामने कुछ 150 साल पुराना पेड़ भी जड़ से उखड़ गया था। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक को एग्जिस्टेंस विद एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने कहा आपके हाथ से हमें एक प्लांट करवाना है ट्री। तो मैंने कहा ये तो आप ऑर्डर कीजिए, पूछना तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा कॉज है और मैं हमेशा किसी भी अच्छे कॉज के लिए तत्पर खड़े रहने में बिलीव करती हूँ। अनुजा, बहुत काफ़ी वक्त हो गया ये पूरे इनिशिएटिव को चालू हो गए, बरसातों में मतलब बहुत वक्त पहले चालू किया था, जू से लेकर वर्सोवा तक। अब जब आप निकलते हैं तो आपको लग रहा है कि दुनिया बदल रही है, जो पेड़ आपके हाथों के या आपके कोशिशों के जरिए लगे हैं? एक्चुअली इट्स ऑल विश्वास मोटे जी ब्रेन चाइल्ड। हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से उनको हेल्प करने के लिए इस मामले में, लेकिन देखा जाए तो हम जितने पेड़ ऐसे इंसान नुकसान पहुँचाते हैं, ये जो हम कर रहे हैं बहुत छोटी सी बात है इसके। और मतलब इवन इफ वी डू 1000 times मोर एफर्ट ना, आई स्टिल थिंक वी कांट कॉम्पेंसेट मदर नेचर। पर हमारे तरफ से हम जो छोटा सा चीज़ मुहिम उठा कर चलते हैं, क्या पता हम छोटे से दिए बन जाए और हम बाकी दियों को थोड़ा सा लाइट दें और दुनिया में और थोड़ी सी रोशनी फैलाए और ग्रीन फुटप्रिंट छोड़ दें, बस यही उम्मीद है। मुझे एक चीज़ कहनी है। मैं ये बिलीव करती हूँ, आई एम श्योर सब एग्री करते हैं, मैंने एक छोटी सी 20 मिनट की फिल्म बनाई है एनवायरनमेंट के ऊपर, कि हाउ जिसको मैं वर्ल्ड वाइड स्कूल्स में इंटरनेशनली लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ में मिलके ये फिल्म बनाई है। और मेरा मकसद इसको बनाने का सिर्फ इतना ही था कि ये जितनी इंस्टीट्यूशंस में, जितने स्कूल्स में दिखाया जाए, इनफैक्ट नाउ यू नो आई विल इन्वॉल्व बोथ ऑफ देम ऑल्सो, बट यही मकसद से बनाई गई है। उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मुद्दा रखा था कि कैसे ओल्डर जनरेशन से यंगर जनरेशन तक, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वक्त ही नहीं है हमारे पास कुछ करने का, इस तरह से कुछ करने के लिए हमें वक्त निकालना पड़ता है। लेकिन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सब एक्चुअली प्लांटेशंस करते थे, दिल से करते थे, उन्हें बोलना नहीं पड़ता था। तो आज के बच्चों को अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ला सकें, और पौधा लगाना ही ज़रूरी नहीं है, पौधा लगाना तो बहुत आसान है, पौधा लगाना ज़रूरी नहीं है, पौधे को उसकी देखभाल करना, उसको नर्चर करना, उसको खाद मिट्टी देना, उसको रोज़ पानी देना, रोज़ उसकी देखभाल करना, बेसिकली हमारे हर जनरेशन के अंदर वो चीज़ ज़्यादा कल्टिवेट होनी चाहिए, एंड स्पेशली द चिल्ड्रन। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस मकसद से ये प्लांटेशंस करनी चाहिए। आज 24 जून है, तो अपना ये कैंपेन आप सभी के मदद से, मतलब आज आयशा मैडम तो आई है, ऐसे काफ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमने जब ये 17 मई को साइक्लोन का रूप देखा और उस रूप को लेके हम क्या कर सकते हैं, अभी तो आयशा मैडम ने बहुत ही अच्छा बताया कि ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पहले से करते थे, हम भी बचपन में खेतियों में जैसे जून महीना आता था उसके पहले कहीं ना कहीं पेड़ लगाना है, ताकि वो बारिश का सीज़न में कम से कम वो नर्चर होकर थोड़ा सा आगे निकल आए। तो ये सब को ध्यान में रख के जो साइक्लोन हुआ, तो उसका जो रूप पे के बाद यहाँ अर्बन एरिया में स्पेस तो बहुत कम है, तो क्या कर सकते हैं, ये जब हमने सोचा तो हमको यही लगा कि कम से कम जितने पेड़ गिरे हैं के वेस्ट वार्ड में, उतने तो कम से कम पेड़ हम लगाए, ताकि एटलीस्ट कंपनसेट उतना लॉस हो जाए। लॉस तो काफ़ी हो गया है वैसे, क्योंकि ये पेड़ 30 साल 40 साल 50 साल वाले गिरे हुए हैं, और हम जो लगा रहे हो छोटे ही लगा रहे, भले एक साल का हो, छः महीने का हो, बट जैसे मैडम ने बताया कि लगा तो रहे हैं, लगाने के बाद उसका जो नर्चरिंग, उसको बच्चे की तरफ पालना है, इसलिए हम ये कैंपेन लेके आए कि अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट एंड बी अ गार्डन गार्डियन ऑफ ग्रीन्स। इसका मतलब यही है कि रेसिडेंट जो है अपने आजू बाजू में, उन्होंने उनको ध्यान रखना है, उससे क्या होगा, जो पब्लिक पार्टिसिपेशंस है एनवायरनमेंट के तरफ, अपनी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी हम निभा सकते हैं। हर कोई आज के तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 की बात करते हैं, लेकिन 21 के बाद फंडामेंटल राइट के बाद फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, है जो 51AG में लिखा है, तो उसको हम भूल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम अर्बन गवर्नेंस एक जगह पर है, अर्बन एनवायरनमेंट एक जगह पर है, तो इन दोनों को कनेक्ट करके, ये दोनों को कनेक्ट कौन कर सकता है, कि वहाँ के जो रेसिडेंट्स है, जो सेलिब्रिटीज़ है,
और जो जाने माने लोग हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए, इन्फ्लुएंस जाए। और इस हमारे कैंपेन में मेक अर्थ ग्रीन अगेन जो मेगा फाउंडेशन के माध्यम से है, अनुषा मैडम है और वृक्ष नर्सरी के माध्यम से शान जी है, मेरी पूरी टीम बीएमसी के यहाँ से गार्डन डिपार्टमेंट एसडब्ल्यूएम है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और मैडम जैसे मोटिवेटर हमको यहाँ आके जब यहाँ बैठ के इस ऐसे मुहिम में शामिल होके सही में हमको एक हौसला बढ़ता है और यही हौसला हमारा बढ़ते रहेगा। आप जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है आज के तारीख में पर्यावरण के लिए, तो मैडम आप आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू। यहाँ अपने रेसिडेंस है यहाँ सुनील नायर जी और लास्ट मेरे ख्याल से 15 दिन के पहले हमने वहाँ पर भी लगाए थे, शौरी जी सर आए थे, तो ऐसे हम करते रहेंगे। आप सबकी भी बहुत बड़ा योगदान है एज ए मीडिया, सोशल मीडिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन बढ़ रहा है और लोगों में सामने से चल के आ रहे हैं कि हमको और पेड़ लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, आप बताइए इन दैट वे। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू आयशा जी। क्योंकि एनवायरनमेंट पर एंड ग्रीनरी पर फिल्में बहुत कम बनती हैं क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसी कोई प्लानिंग होगी कि एनवायरनमेंट के ऊपर फिल्में बनाई जाए, लोगों को और मैसेज दिया जाए पूरी टीम के साथ? मैंने जैसे कहा कि मैंने खुद इनिशिएटिव लेके, नितिन शेट्टी मेरे फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं और हम लोगों ने मिलके ये इनिशिएटिव लिया कि हम एक 20 मिनट की प्रॉपर फिल्म जिसके अंदर स्टोरी बेस्ड फिल्म की किस तरह से अडॉप्टिंग अ ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, ये लिया हमने ये इनिशिएटिव और हमने ये फिल्म बनाई है जो कि हम जल्दी ही चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। नॉट बिकॉज इट्स अ फिल्म, इट्स बिकॉज इट हैज़ अ मैसेज ओनली फॉर एनवायरनमेंट कि किस तरह से एक पेड़ को नर्चरिंग की ज़रूरत है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है और कैसे ये थॉट को इंस्टॉल किया जा रहा है बच्चों में और करना चाहिए हमको। और मेरी अभी एक अभी शूटिंग ख़त्म करी है, मैंने एक एनिमल्स पे भी एक छोटी फिल्म बनाई है 12 मिनट की, क्योंकि वो मैंने बनाई है अडॉप्ट इंडी स्ट्रेज के ऊपर, ये कैसे हमें इंडी स्ट्रेज को, इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए, वो भी मैंने एक डॉग और एक कैट को हीरो और हीरोइन लेके और वो फिल्म बनाई है, तो वो फिल्म भी मेरी रेडी है। ये फिल्में हम इसलिए नहीं बना रहे कि इसके लिए कोई कमर्शियल एंगल है या कोई सिनेमा में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शी ऑल्सो नोज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट। दीज आर फिल्म ओनली विच आर मोटिवेशनल, जो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया हमारी फैमिली है तो हम उसी तरह से सोचते हैं और अगर इस तरह का इंस्पिरेशन थोड़ा सा बच्चों को मिलता है तो हमारे जानवर, हमारे पौधे, हमारे सीनियर सिटीजन्स, अंडर प्रिविलेज, एजुकेशन, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश में जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट आयशा जी हियर। वन ऑफ हर डॉग्स गॉट वेरी ब्रूटली किल्ड लोनावला में और उसके बाद लोग दुखी होते हैं थोड़े दिन के लिए, मतलब इस गम में रहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इसके बाद वो लोग पेट ही नहीं पालते क्योंकि यार वो इतना ख़राब हो गया। पर इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने नॉट ओनली उसकी जस्टिस के लिए फाइट किया, पर शी जस्ट टोल्ड मी कि 450 डॉग्स के ऊपर वहाँ पर उन्होंने फीडिंग स्टार्ट किया है, वहाँ पर फीडिंग पॉइंट स्टार्ट किए हैं, वहाँ लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके एनिमल राइट्स के लिए फाइट किया है। और ऐसे लोग अगर पौधों के लिए भी लड़े ना तो आई थिंक विश्वास जी थॉट ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड ग्रीन इज गोइंग टू बी रियल ट्रूथफुली अ सक्सेस। थैंक यू सो मच आयशा जी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, अनुषा ने मेरा साथ उस टाइम पे भी दिया था और आज भी देती हैं। इन्होंने राइटली कहा, मैंने ये मेरे साथ मिसहैप लोनावला में हुआ था और मैंने वहाँ पर पिछले 7-8 महीने से ऑलमोस्ट अब 450 डॉग्स हैं जिनको हम रोज़ फीड करते हैं। जैकी श्रॉफ ने मुझे एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट करी, एनिमल केयर वैन गिफ्ट करी जिसके अंदर फीडिंग होती है, उसके अंदर हम खाना डाल के रोज़ हमारे वॉलंटियर्स, मैं जब 3 दिन हफ्ते में मैं खुद करती हूँ और हर पॉइंट पे जाके वहाँ का म्यूनसिपैलिटी ने भी हमें हमेशा हेल्प करी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यू नो BMC, LMC ये सब ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ रही हैं, इनके सपोर्ट के बिना हम चाहें भी तो हम कुछ लिमिटेड ही कर पाते हैं, अगर ये साथ में जुड़ते हैं तो हम ज़्यादा कर पाते हैं और इन ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके सपोर्ट से हम लोग अपने जो भी अचीव, एटलीस्ट यू नो हिज थॉट
इवन LMC जो लोनावला काउंसिल है उनकी भी थॉट इस तरह की है. हमने इसलिए 40 फीडर पॉइंट्स लगाए हैं वहाँ पे और हमारा टारगेट 175 का है. तो वो काम हम रोकेंगे नहीं. शायद मेरा डॉग जिसका मर्डर हुआ था रॉकी, वही एक इंस्पिरेशन बन गया. हालांकि मैं हमेशा से बचपन से पेट्स, एनवायरनमेंट, ग्रीनरी सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब एक बहुत ही आई डोंट नो, आई फील वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस. एक आखिरी सवाल, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और नाउ सिनेमा घर भी ओपन होने वाला है, तो फिल्मों में हम ऐसे देखेंगे आपको बड़े पर्दे पर? मैं अभी एक सीरीज कर रही हूँ, वेब सीरीज अमेजोन के लिए, तो आप बहुत जल्दी मुझे उसमें देखेंगे. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. पीछे से साइड हो जाओ ना भाई. यार पूरा स्टाफ है.